समूह किसान बिल का समर्थन करता है और एक तरीके से हर स्टेट से किसान डेलीगेशन आकर मिल रहे हैं और बिल के समर्थन में बात कर रहे हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि जो अलग अलग राज्यों के किसान आपको आके समर्थन कर रहे हैं और आप उसका प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, उन्हीं किसानों को डेलीगेशन बनाकर भेज दीजिए ना, कि समझा लेंगे अपने भाइयों को कि तुम व्यर्थ ही प्रोटेस्ट कर रहे हो। ये बिल तो खेतिहर समाज को गेहूं के बदले सोना दे देगा, धान के बदले हीरा दे देगा, उन्हीं को भेज दीजिए। प्रोपेगेंडा की एक सीमा होती है। और दुख इस बात का है कि तमाम जो सत्ता प्रतिष्ठान के मंत्रीगण आ रहे हैं ना, उनमें से अधिकांश की खेतिहर समाज और खेत की समझ औसत दर्जे से भी कम की है। ये अपने आप में एक विडंबना है, जाने कैसे लोग हैं, किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, और किसान भाइयों के बारे में कर रहे हैं, खेतिहर समाज के बारे में कर रहे हैं, और हम चुपचाप देख रहे हैं। इस बीच ने लेटर लिखा है कनाडा के प्रधानमंत्री को और उनके बयान पर आपत्ति जताई है कि भारत के अंदरूनी मामले में इतना बढ़ चढ़ कर बयान देना ठीक नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया के बड़े और महत्वपूर्ण जमहूरियत में से एक है। देखिए, मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि हम कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रतिरोध खुद करने में सक्षम है, खुद बदलाव के लिए सक्षम है। इस मामले में हमारा भी मानना है कि कोई भी देश हो, हमें इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। लेकिन साथ ही एक संदेश हमें भी पूरी दुनिया को देना चाहिए, वो ये संदेश है कि हमारे देश में कुछ ऐसा ना हो जिस पर किसी को भी टिप्पणी करने का मौका लगे। सब कुछ साफ सुथरा, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर मानवाधिकार की बात हो तो हमारा सर सबसे ऊंचा रहना चाहिए। ये नहीं होगा कि हम इफ बट किंतु परंतु में रहें और तब फिर कोई और बात कहें। असम सरकार ने फैसला को धर्मनिरपेक्ष बनाया जाएगा और मदरसों को भी सामान्य शैक्षणिक संस्थान के रूप में संचालित किया जाएगा। नहीं, शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन असम सरकार को खुद भी धर्मनिरपेक्ष बनना पड़ेगा और पूरे दल को धर्मनिरपेक्ष बनना पड़ेगा, क्योंकि धर्म निरपेक्ष एक भाव है और एक ऐसा भाव है जो मनसा वाचा कर्मणा में परिलक्षित होना चाहिए। इसको रेटोरिकल अगर बना करके आप रखते हैं तो आप खारिज होंगे, आज नहीं तो इतिहास खारिज कर देगा। तो राजनीति से संन्यास लेंगे, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया, अब वो घर पर रहकर आराम करेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति का राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय, कोई और व्यवस्था देखने का निर्णय, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है। ये निर्णय वो लें अपने दल, अपने सबको विश्वास में लेकर के, ये उनका बिल्कुल ही निजी मामला है, इस पर कोई टिप्पणी करने की का औचित्य नहीं बनता है।